खतरनाक जानवरों को, जिनसे जंगल का हर जानवर तो क्या, बड़े शिकारी जानवर भी डरते हैं। इस वीडियो में मैंने शामिल किया है टाइगर और उल्फ को, भेड़िए की सबसे खतरनाक प्रजाति ग्रे उल्फ और टाइगर की प्रजाति साइबेरियन टाइगर को हम इस वीडियो में शामिल कर रहे हैं। बंगाल टाइगर टाइगर की सबसे खतरनाक प्रजाति है, पर किसी भी भेड़िए की इतनी औकात नहीं कि वह बंगाल टाइगर को भिड़ जाए। वैसे भी बंगाल टाइगर इंडिया में पाए जाते हैं, इनका सामना कभी कभार ही भेड़ियों से होता है, पर भेड़िए पीछे हट जाते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि अगर हम इनसे भिड़े तो मौत पक्की है। वैसे तो टाइगर को इस पूरी दुनिया में कोई भी जीव हरा नहीं सकता, लेकिन टाइगर की कुछ प्रजातियाँ एक भेड़िए के झुंड से मात खा सकती है, क्योंकि एक भेड़ियों का झुंड जंगल का सबसे खतरनाक झुंड होता है। वे निडर होते हैं और किसी पर भी हमला करने की औकात रखते हैं। भेड़िए कभी कभार ही बड़े शिकारियों से भिड़ते हैं, लेकिन रूस के साइबेरिया में भेड़िए और साइबेरियन टाइगर का खौफ पूरे जंगल पर रहता है। जंगल का हर जानवर इन दोनों जीवों से डरता है, और जब एक जंगल में दो शिकारी मौजूद हो तो लड़ाई तो होगी ही। साइबेरिया में भेड़ियों और टाइगर की मुठभेड़ एक आम बात है। एक साइबेरियन टाइगर एक इकलौते ग्रे भेड़िए को आसानी से हरा सकता है और मार कर खा भी सकता है, पर अगर सामने ग्रे भेड़ियों का पूरा झुंड हो तो टाइगर की हार पक्की हो जाती है, लेकिन टाइगर उनमें से किसी एक भेड़िए को जरूर मार गिराएगा। टाइगर कभी नहीं डरते, चाहे सामने पूरी दुनिया के भेड़िए क्यों ना हो। वह एक भेड़िए को अपना निशाना बनाता है और एक ही बार में उसका काम तमाम करता है, लेकिन वह लगातार एक एक भेड़िए को ऐसे निशाने पर नहीं ला सकता, क्योंकि अगले बार तक सारे भेड़िए टाइगर के आसपास आ चुके होते हैं और इसी वजह से टाइगर की हार पक्की हो जाती है। अगर भेड़िए टाइगर से भिड़ रहे हैं तो इसमें ज्यादा नुकसान भेड़ियों का है, इसीलिए भेड़िए टाइगर से डरते हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ 600 के आसपास ही साइबेरियन टाइगर बचे हैं। भेड़ियों की आबादी तो खूब फल फूल रही है। साइबेरिया में इनकी आबादी 3500 के आसपास है, जबकि पूरी दुनिया में यह लगभग 20,000 के आसपास है। और अगर भेड़ियों के पूरी प्रजाति की बात करें तो पूरी दुनिया में इनकी आबादी 3,00,000 के आसपास है, जबकि पूरी दुनिया में टाइगर की आबादी सिर्फ 4,000 के आसपास है। इनमें से 3,000 तो सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं। इंडिया का यह नेशनल एनिमल है। इंडिया में इन्हें पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया गया है, इसीलिए इंडिया में इनकी आबादी बढ़ रही है। अगर आप टाइगर के बारे में और ज्यादा जानकारी लेना चाहते हो तो हमारे चैनल के दूसरे वीडियो जरूर देखिए, तुम्हें बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी। टाइगर और भेड़िए जंगल के दो सबसे भयानक शिकारी जानवर है। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यह था कि लोगों को समझ में आ जाए कि कौन सा जानवर ज्यादा खतरनाक और समझदार है। इनके खतरनाक होने के पीछे इनका आकार, रफ्तार और हमला करने का तरीका है। टाइगर का आकार भेड़िए से दुगना या फिर ज्यादा होता है, लेकिन क्या होगा अगर भेड़िए का आकार भी टाइगर के बराबर कर दे? क्या टाइगर अब हार जाएगा? नहीं, टाइगर तो अब भी नहीं हारेगा। टाइगर के दौड़ने की रफ्तार लगभग 70 से 80 किलोमीटर पर घंटे की होती है, जबकि भेड़िए सिर्फ 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से ही दौड़ पाते हैं। अगर भेड़िए का आकार टाइगर के आकार जितना कर दे तो ज्यादा वजन होने के कारण इनकी रफ्तार भी कम हो जाएगी, इसीलिए भेड़िए टाइगर से अब भी हार जाएंगे। कुछ भी कर लो, मगर टाइगर को हराने वाला जीव इस दुनिया में मौजूद नहीं है। वो बोलते हैं ना, संगठन में शक्ति यानी यूनिटी इज स्ट्रेंथ। भेड़िए सिर्फ ग्रुप में ही टाइगर को हरा सकते हैं, नहीं तो भेड़ियों की क्या औकात की टाइगर से भिड़ जाए। वो तो टाइगर अकेले रहते हैं, इसीलिए अगर ग्रुप बनाकर रहते तो फिर सामने भेड़ियों का झुंड तो क्या, शेरों का झुंड भी आ जाए तो भी सामने वाले की मौत पक्की हो जाए। शायद ये अकेले इसीलिए रहते हैं क्योंकि इन्हें किसी दूसरे टाइगर की मदद नहीं चाहिए, ये अकेले ही काफी है शिकार करने के लिए। तो अब शायद आप समझ ही गए होंगे कि आखिर क्यों टाइगर इतने खतरनाक होते हैं, और टाइगर और भेड़िए की लड़ाई में हमेशा जीत टाइगर की होगी।
आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब जल्द ही मिलते हैं एक और नए रोमांचक वीडियो में। तब तक आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे दूसरे वीडियोस देखो जो आपने आज तक नहीं देखे हैं। और कमेंट्स में मुझे बताओ कि आपको कौन सा वीडियो सबसे अच्छा लगा। हम आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों।